हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है भैया, उसका लेक्चर 3 लेके आए हैं। दोस्तों, लेक्चर 1 और 2 बहुत ही लेवल वाला तगड़ा लेक्चर्स बना था, जाके देख लीजिएगा दोस्तों। वो उसी हिसाब से लेक्चर्स बना रहा हूँ कि आपको जी नीट के साथ कनेक्ट कर दे, जी नीट के साथ कनेक्ट कर दे दोस्तों, फिर आप JEE के लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, आज मेरा ये लेक्चर है NCERT टेक्स्ट बुक का, ठीक है, लेकिन आपको मैं जी नीट तक पहुँचाऊँगा, टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद मेरे ही वीडियोज़ हैं जी नीट में, आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज का टॉपिक ये है, एक बात सुनी है मैंने कि किस एक कोई पार्टिकल है या कोई सब्सटेंस है, एक कोई पार्टिकल है या सब्सटेंस है, तो दोस्तों बोलते हैं जैसे कि मान ले एक रॉड ले लेता हूँ, रॉड वाली मैटर बहुत बार आई है तुझे पता चलेगा, रॉड ले लेता हूँ, उसको गर्म करता हूँ दोस्तों, तो ऑब्वियस है रॉड का लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा दोस्तों। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, मोस्ट सब्सटेंस एक्सपांड होते हैं, लेंथ में एक्सपांड हो, वॉल्यूम में एक्सपांड हो, या तो एरिया में हो, एक्सपांड होते हैं व्हेन दे आर हीटेड। तो पहला पॉइंट लिखूंगा, मोस्ट सब्सटेंस एक्सपांड When they are heated, no issue sir. When they are heated, और दोस्तों जब हीट नहीं करते हैं, हीट कम कर देते हैं दोस्तों, तो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी पार्टिकल को हीट देने से उसके एरिया में, उसके लेंथ में, वॉल्यूम में एक्सपांशन हो, तो दोस्तों ये हर एक पार्टिकल का, हर एक सब्सटेंस का नेचर होता है, एक्सेप्ट सम कुछ का अलग अलग नेचर होता है, वो जैसे जैसे चैप्टर आपको समझ में आएगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों बातों से, छोटी छोटी बातों से, जैसे कि क्या होता है लॉजिकल बात, क्यों सर गर्म करने पर इसका एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, उसका रीज़न मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास दो एटम हैं, ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन मैं उसको स्प्रिंग में समझा रहा हूँ तो आपको मजा आएगा दोस्तों। अभी दोस्तों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस 10^-10 मीटर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना है, 10^-10 मीटर, ओके दोस्तों। फिर इनका जो एम्पलीट्यूड है, ऑब्वियसली ऑल एटम ऑसिलेट विथ रिस्पेक्ट टू देयर मीन पोजिशन, तो उसका एम्पलीट्यूड का रेंज है 10^-11 मीटर, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। अब दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सब्सटेंस का, जो ये सब्सटेंस मैंने लिया है उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इन दोनों भाई ये जोरदार ऑसिलेशन करने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओ, जुम 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 ऐसा ऑसिलेशन करने लगेंगे दोस्तों, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा दोस्तों। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आगे ले जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली एक्सपांड होता है कोई भी सब्सटेंस तो उसकी लेंथ में एक्सपांशन देखने को मिलता है, उसके एरिया में एक्सपांशन देखने को मिलता है, और वॉल्यूम में, ठीक है, इन तीन चीज़ों में एक्सपांशन देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरा, एक जी नीट के लेक्चर में मैं प्रूव करवाऊंगा एक चीज़ है, आप देख लीजिएगा, बोला गया है कि ये जो एटम्स हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच का मॉलिकुलर डिस्टेंस जो भी है उसको मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है, उसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ तो ये रहा, आप बना देना एग्ज़ाम में ऐसा, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, ये चीज़ें दोस्तों हम जी नीट में समझेंगे, ठीक है, ठीक है,
ये है पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉलिकुलर डिस्टेंस। ठीक बा, ठीक बा, चला जा आगे बढ़े। दोस्तों मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स लूँगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों एक ग्लास का बोतल है, ग्लास बोतल है प्लस उस पर मेटल का ढक्कन है, मेटल का ढक्कन है दोस्तों, ठीक है। उसको मैं ऊपर का मेटल का ढक्कन फिट आ गया है कांच के ग्लास में, खुल नहीं रहा है सर, तो क्या करेंगे दोस्तों बताएं? थोड़े से हल्के से गर्म पानी में इसको डाल देंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों जो इसका कैप है, मेटालिक कैप है, वो खुल जाएगा। ओ हो, क्या बात है सर, हीट का तो यही तो है दोस्त। मेटल होता है, मेटल को हीट मिलेगा तो वो एक्सपांड होगा, तो जो टाइट हो गया था वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। चल भाई, पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, आपने थर्मोमीटर में पारा देखा है, थर्मोमीटर में पारा देखा है, पारो नहीं रे, तुमको क्या लगा देवदास में पारो देखी है सर, चल रे चुप। पारा और थर्मामीटर दोस्तों क्या होता है, जब मैं थर्मोमीटर को गर्म पानी में रखता हूँ तो पारा ऊपर चढ़ता है, ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली पारा ऊपर चढ़ता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों उसको ठंडे पानी में रखूँ तो पारा नीचे आता है दोस्तों, नीचे आता है। क्या है दोस्तों, पारे को गर्मी मिली, एक्सपांड हुआ, ठंडे पानी में रखा, पारे के पास जो गर्मी थी वो वापस ले ली पानी ने, तो वापस कंप्रेस हो गया दोस्तों। तो आप समझ रहे हो बात को समझना, हीट दे रहा हूँ तब एक्सपांड हो रहा है, हीट ले रहा हूँ तब वो वापस कंप्रेस हो रहा है दोस्तों, क्या बात है। चलिए अच्छा सा एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि एक बलून है, पार्शियली टाइट बलून है, ठीक है, थोड़ा सा ढीला डाला सा, हाँ फुल हवा नहीं भरी हुई है दोस्तों। उसको यदि मैं गर्म पानी में रखता हूँ, बहुत मज़े वाली बातें करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना, गर्म पानी है दोस्तों, ओके ठीक है। अब दोस्तों गर्म पानी में रखने पर क्या होगा पता है आपको, ये जो बलून आधा फूला हुआ है, जूब 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 जूब, क्या बात है सर, फटाफट फूलने लग जाएगा सर, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लेना, तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो, जुपा ये सीन हो जाएगा दोस्तों। अब मान लो फुल्ली एकदम टाइट बलून है, फुल्ली टाइट बलून है, उसको मैं ध्यान से सुनना, चल इसको पहले इसमें आ जा, पार्शियली फूला हुआ बलून था, उसको गर्म पानी में रखा तो क्या हुआ, गर्म पानी ने इसको हीट दी, मतलब बलून ने हीट लिया, तो उसका एक्सपांशन हुआ, हाँ या ना बोल, क्या बात है सर। तो मोस्ट सब्सटेंस एक्सपांड व्हेन दे आर हीटेड। अब दोस्तों पूरा फुलाया हुआ बलून है, एकदम फुल्ली टाइट बलून है फुलाया हुआ, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने से बच्चों जैसे आठवीं में आते हैं, ठीक है चलो। अब दोस्तों ये ठंडा पानी है और कंप्लीट फुल फुलाया हुआ बलून यहाँ पे रख रहा हूँ, कंप्लीटली टाइट एकदम। अब क्या होगा दोस्तों ये ठंडा पानी और ये बलून का जो प्रेशर होता है अंदर का, ये सब मैटर चैप्टर 10 में आप पढ़ चुके हो, है ना। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ से हीट यहाँ पे जाएगा, इसका बलून जो गर्म होगा ऑब्वियसली फुल टाइट है ना, तो उसके अंदर के एटम्स बहुत नज़दीक और चम दौड़ते रहते हैं, ये सब रीज़न आपने चैप्टर 10 में पढ़े होंगे, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पानी को हीट देता है, तो अब मैं लिख दूँ दोस्तों बलून ने हीट दिया, तो दोस्तों बलून क्या होगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। और सीन क्या होने वाला है कॉम्प्रेस का सीन ये हो जाएगा, टू बोलो हाँ या ना दोस्तों। तो ये हीट का एक्सपांशन हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है, तो हम लिख पाते हैं दोस्तों व्हेन
टेम्परेचर इंक्रीजेज, और व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज लिखो या टेम्परेचर गिवन, मतलब कि व्हेन हीट सप्लाई टू दी सब्सटेंस, व्हेन वी सप्लाई दी हीट टू सब्सटेंस, व्हाट हैपन, देयर इज चेंज इन डायमेंशन, या तो बोल सकते हैं हम दोस्तों देयर इज एक्सपांशन इन डायमेंशन कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। क्या बात है सर, हीट के कारण एक्सपांड हुआ, थर्मल एक्सपांशन दोस्तों। बट नाउ व्हाट इज माय बेसिक थॉट, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज करना, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज, सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज करना, मतलब उसके पास से हीट ले लेना दोस्त, हीट, इसको बोल सकता हूँ सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है और ये हीट रिलीज करता है, एमिट करता है, तो हीट रिलीज करता है, तब दोस्तों क्या होगा, देयर इज अ कंप्रेशन इन डायमेंशन। डायमेंशन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों, वो एरिया भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड थर्मल कंप्रेशन। दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे आपको सब लिखना है, चिंता नहीं करना, बोल हाँ या ना, कैसन बा, थॉट क्लियर हो रही है, मजा आने वाला है दोस्तों। भले ही केमिस्ट्री होता ना, क्या है दोस्त, रिसर्च करके आता हूँ तो कोई टेंशन नहीं होता है, देख ले क्लियर है बातें, चल एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। अभी हम थर्मल एक्सपांशन के बारे में पढ़ रहे थे, हीट एक्सपांशन के बारे में जो पढ़ रहे थे, थर्मल एक्सपांशन दोस्तों तीन टाइप के होते हैं सर। लेंथ में एक्सपांशन हो सकता है, एरिया में एक्सपांशन हो सकता है, वॉल्यूम में एक्सपांशन हो सकता है। ठीक है दोस्त, नॉट चोपड़ा लेके तो बैठा है ना, ठीक है चला जा। तो दोस्तों पहला हम लेंथ में एक्सपांशन देखते हैं, क्या सीन क्या हो रहा है देखना आप, मान लो ठीक है थर्मल एक्सपांशन है, हीट देंगे तो एक्सपांड होगा, लेकिन तीन चीज़ों में, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में, है ना। ऐसे तो JEE नीट में भी आप पढ़ोगे, डेंसिटी में भी कुछ चेंज होता है, सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। चलिए ये रहा एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, अब इसको हीट दिया तो बट ऑब्वियस है सर, इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट या तो इंक्रीज होगा, ठीक है, वो इंक्रीज कितना, ये रहा सर, इट इज़ कॉल्ड ए डेल्टा एल, ठीक है, बोल हाँ या ना। तो लेंथ में चेंज कितना आया, डेल्टा एल जितना दोस्तों। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ध्यान से सुनना, पहला लेंथ L1 है, गर्म करने के बाद ये दूसरा, ये पूरा लेंथ कितना मिला, L2 मिला, ठीक है, तो डेल्टा एल कितना सर, पूरे L2 में से ये L1 माइनस कर दो, बोल हाँ या ना, वो भी आप लिख सकते हो, क्लियर है सब, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ये लेंथ में चेंज हो रहा है ना, ये जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ना, वैसे वैसे लेंथ में चेंज हो रहा है। चेंज इन लेंथ, ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा तो ज़्यादा लेंथ में चेंज होगा, कम टेम्परेचर दूंगा तो कम चेंज होगा। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, एम आई राइट और लेफ्ट, अरे राइट, अरे, और चेंज इन लेंथ इज अकॉर्डिंगली चेंजिंग विद द इनिशियल लेंथ, है ना, वो हाँ ऑब्वियसली इनिशियल जो लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल में ही चेंज होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, लेंथ एक मीटर का रॉड लो आप और उसमें बोलते हो कि सर एक मीटर का एक्सपांड हो गया, नहीं होगा दोस्तों ना, एक मीटर पे 0.01 जितना एक्सपांड होगा, है ना, ऐसा, ठीक है। और दोस्तों ये स्मॉल रेंज टेम्परेचर की बात चल रही है, स्मॉल रेंज टेम्परेचर की, ठीक है, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना,
प्रोपोर्शनल दोनों को साथ में लिख दिया। अब जो दोस्तों मेन बात करने वाला हूँ डेल्टा एल, ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम है इसको हटाता हूँ, इज इक्वल्स टू इसकी जगह पे आता है अल्फा एल। बात समझना, पते की बात बोल रहा हूँ, इसकी जगह आता है अल्फा एल। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है बुक का, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल एल डेल्टा टी। कभी किसी बुक में एल नहीं लिखा होता तो ओके, ठीक है, चलिए ओके। आप कैपिटल एल लिखा है, आप स्मॉल एल भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात आते हैं हम, बात बहुत ही मज़े वाली बात है, मेन फोकस है, वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर अल्फा एल इज व्हाट, अल्फा एल क्या है सर, अल्फा एल इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। सर रुकिए सर, ये तो बुक में लिखा हुआ है, आपने सर आपने क्या नया बोला, तो दोस्त मैं नया बोलता हूँ दोस्त, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, लेंथ में एक्सपांशन हो रहा है, मतलब कि लीनियर एक्सपांशन है ना, और उसका ये कोएफिशिएंट है। तो क्या हुआ सर, अरे सर ये स्पेसिफिक बिहेवियर है इसका, हम बोल सकते हैं दोस्तों एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है किसी के एक्सपांशन की। समझ में, मैं समझाता हूँ दोस्त, दो मिनट समझाता हूँ। जैसे कि एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, एल्यूमिनियम है, अब लिख लेना, नोट करके रखना, मैं लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम है, उसका एक्सपांशन रेशियो, एक्सपांशन रेट वो कितना बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, वो है दोस्तों 2.7 × 10⁻¹⁵। दो मिनट समझा रहा हूँ, मजा आएगी आपको। कॉपर का है वो है 1.5 समथिंग लिखा है, हाँ नहीं, ये है 2.5, ये है 1.7 × 10⁻¹⁵, ध्यान से सुनना, मजा आने वाली है। अब दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने सेम लेंथ का एल्यूमिनियम का रॉड लिया, सेम लेंथ का कॉपर का रॉड लिया, ठीक है, दोनों के सेम टेम्परेचर पे मैं गर्म करता हूँ दोस्तों, सेम टेम्परेचर पे गर्म करता हूँ, तो आपको पता है कौन जल्दी गर्म होगा, कौन जल्दी गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा सर, क्यों, क्योंकि उसका गर्म होने का, एक्सपांड होने का, गर्म होगा मतलब कौन जल्दी एक्सपांड होगा, एल्यूमिनियम जल्दी एक्सपांड होगा, उसके एक्सपांड होने का वैल्यू ज़्यादा है, कम टेम्परेचर भी फटाफट एक्सपांड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है, सो इट विल एक्सपांड, फास्ट एक्सपांशन होगा इसका, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ये चीज माइंड में उतार लो दोस्तों। आपको याद नहीं है क्या, आपको याद नहीं है जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता था, चल मैं उस पर ले जाता हूँ, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता था मतलब कि वो अपने में चेंज होने नहीं देता था, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा का मतलब क्या, मजबूती ज़्यादा, इलास्टिसिटी ज़्यादा, हाँ या ना बोल। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको बोलूँ स्टील ज़्यादा मजबूत है या रबर, तो आप क्या बोलोगे, सर स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है तो स्टील ज़्यादा मजबूत है, बोल हाँ कि नहीं, तूने बोला था, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, वीडियोज़ में भी देखा था चैप्टर नंबर 9 के, तो फिर है ना। तो दोस्तों जो एक वैल्यू डिसाइड होती है, वैल्यू डिसाइड होती है कि कौन, और सब एक्सपेरिमेंटली हो चुका है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिंपल यार, क्लास में बच्चा होशियार है, उसका उसका नंबर क्या, वो उसका स्पेसिफिक कौन सा एक चीज़ है जिससे पता चलता है बच्चा होशियार है, बोल चल। हाँ हम लोगों ने बना रखा है ना सर, 90% वाला होशियार, 80% वाला कम होशियार, ठीक है। तो आपको बोलता हूँ कि ए नाम का स्टूडेंट है उसके 90% है, बी नाम का स्टूडेंट है उसके 70% है, बोल तुझे मैं स्टूडेंट को देखे बिना तू रिजल्ट देख के क्या बोलेगा, सही बोल देना, क्या बोलेगा, अरे सर वो ए वाला होशियार है सर, तूने कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं। तो दोस्तों होशियारी नक्की करने का रेट क्या हो गया, परसेंटेज है ना। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, होशियारी नक्की करने का रेट क्या हो गया, परसेंटेज। तो वैसे ही दोस्तों किसी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर देते हैं तो कौन जल्दी एक्सपांड होगा वो नक्की करने कौन का आएगा, अल्फा आएगा दोस्तों।
तो देखो इसका ज़्यादा है अल्फ़ा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये जल्दी एक्सपांड हो जाएगा। ऑल दो मैं टेम्परेचर सेम दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है चला जा दोस्तों। और नई बात करते हैं, और अल्फा को और अच्छी तरह से जानते हैं। अल्फा की हालत ख़राब कर देनी दोस्तों तो आपकी लाइफ में हालत ख़राब नहीं होगी। चला जाओ, ये छोटा सा फंडा फोकस है, देख लेना। हाँ चलिए दोस्तों, अल्फा मैं यदि इसका फॉर्मूला लिखने जाऊं तो ऐसा कुछ हो रहा है, ये रहा ना अल्फा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों। इसका डेफिनेशन बनाने का बोला जाए तो आप क्या बनाओगे, डेफिनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। यूनिट लेंथ का रॉड लेता हूं मैं, यूनिट लेंथ का रॉड लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आने वाली है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाली है। फिर से फंडा फोकस में आ रहा हूँ। एल्यूमिनियम का लेंथ, एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया मैं, ध्यान से सुनना, एक मीटर का रॉड है, एल्यूमिनियम का एक मीटर का रॉड है। उसके टेम्परेचर में, उसका टेम्परेचर अभी मान ले कि भाई 30 है, उसका टेम्परेचर अभी राइट नाउ 30 है, ठीक है। मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने उसका टेम्परेचर कर दिया 31 डिग्री सेल्सियस, तो उसके टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ चेंज तो 1 डिग्री सेल्सियस बोलो, 1 केल्विन बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक मीटर का रॉड है, एक मीटर लेंथ का, उसके टेम्परेचर में मैंने एक सेल्सियस का चेंज लाया, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली जो लेंथ में चेंज होता है, जो लेंथ में चेंज होता है उसी को अल्फा बोलते हैं। जैसे कि एक मीटर का एल्यूमिनियम का रॉड है, उसका टेम्परेचर एक सेल्सियस बढ़ा दिया, एक डिग्री सेल्सियस। अब देख एल्यूमिनियम का अल्फा क्या है, 0.000025, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखो, एल अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, लेंथ एक मीटर, टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा एल का मतलब ही क्या हुआ, डेल्टा एल हुआ। ओ हो सर, बात पकड़ना बहुत मजा आने वाली है। क्या बात है सर, मतलब कि एक मीटर के रॉड को, एक मीटर वाले रॉड को एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसके एक मीटर के अकॉर्डिंगली इतना चेंज होगा, एक मीटर पे इतना चेंज होगा उसकी लेंथ में, 0.000025 मीटर दोस्तों, समझ में आ रहा है, उसी को बोलते हैं अल्फा दोस्तों। तो अल्फा कुछ नहीं डिनोट करता है, क्या शो करता है अल्फा, कि भाई टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से एक मीटर पे कितना एक्सपांड हो रहा है, एक मीटर पे कितना एक्सपांड हो रहा है, वो वैल्यू बताता है अल्फा। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसको भी फंडा फोकस में डाल दो, इसको भी फंडा फोकस में डाल दो, बोलो क्लियर है, नहीं समझ रहे हो, पक्की बात, ओके चलो। तो दोस्तों फाइनली ये प्रूव होता है कि अल्फा एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। अल्फा का मतलब है एक मीटर पे कितना चेंज, एक मीटर पे लेंथ में कितना चेंज जब टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, तो चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन लेंथ व्हेन टेम्परेचर ऑफ यूनिट लेंथ रॉड इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, या तो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, बोलो हाँ या ना दोस्तों। चेंज इन लेंथ व्हेन टेम्परेचर ऑफ यूनिट लेंथ रॉड इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेम बात हुई दोस्तों। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसा लिखोगे आप चलेगा सर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, देन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड अल्फा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, देन फ्रैक्शनल चेंज
इन लेंथ, या तो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, लेंथ इज कॉल्ड अल्फा एल, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। थॉट क्लियर हो रहा है? अल्फा कोई भी पूछे क्या बोलेगा, सर एक मीटर का रॉड लो, उसका एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ, तो एक मीटर पे कितना एक मीटर पे लेंथ कितना बढ़ रहा है एल्यूमिनियम का, इतना, ठीक है दोस्तों, उसी को उसका लीनियर, उसी से डिसाइड होता है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और एक मीटर पे कॉपर का कितना बढ़ रहा है, तो 0.00017 दोस्तों, उससे कम है, है ना, एक मीटर पे वो 0.0017 जितना एक्सपेंड हो रहा है, और ये 0.0025 जितना एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो एक बार देख लो यूनिट क्या बन रहा है आपके हिसाब से, इसका यूनिट क्या बन रहा है, ये तो पूरा गया, यूनिट लेस है 1/सेल्सियस, सेल्सियस इनवर्स और कैलोमीटर्स दोस्तों। डायमेंशन फॉर्मूला लिख देना आप, किस पे डिपेंड है दोस्तों, किस पे डिपेंड है, ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं सर मटेरियल पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सर टेम्परेचर पे डिपेंड है, छोटे छोटे टेम्परेचर इंटरवल में, छोटे छोटे टेम्परेचर इंटरवल पे, जब टेम्परेचर इंटरवल छोटा छोटा होता है तब दोस्तों ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोस्तों लीनियर एक्सपेंशन का मामला, अभी दो मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट ले ले, रफ करके और समझाना है। ओके दोस्तों, थोड़ा जूम कर दिया आपको अच्छा दिखे इसलिए, ठीक है, तो ये बातें क्लियर है, बातें क्लियर है, ये मैं रफ कर रहा हूँ, काम है मुझे। तो अल्फा की बातें कभी कभी स्कूल के एग्जाम्स में अल्फा भी पूछते हैं, ओनली अल्फा कि भी एक्सप्लेन अल्फा, तो आपको जितना लिखना हो आप लिख सकते हो, इतना सारा चीज़ मैंने आपको समझाया। अच्छा अल्फा का एक डेफिनेशन और बताऊँ रफ करते करते, रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा, बोल, रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ की बात होने वाली है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक पूरा चला दिया है मैंने, कल एक एक चीज़ आपको समझानी है मुझे, वो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये तो है चीज़, ये रही सर, इसको कभी कभी हम ऐसा भी लिख पाएंगे क्या, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ओ हो सर क्या बात है, क्या बात है ना, अच्छा अच्छा सर ये स्ट्रेन की बात कर रहे हो आप, तो दोस्तों इसमें स्ट्रेन भी आप फाइंड कर पाओगे, डेल्टा एल बाय एल अल्फा इंटू डेल्टा टी, बहुत मजबूत लेक्चर जाने वाला है, टेंशन नहीं लेना। डेल्टा एल मतलब क्या, चेंज इन लेंथ, ये इनिशियल लेंथ को एल वन ले लूँ मैं, एल टू एल वन सामने जाने दे, ये प्लस हो गया अल्फा एल वन डेल्टा टी, ठीक है, एल टू, ठीक है दोस्तों, एल टू फाइनल, एल वन इनिशियल, फाइनल इनिशियल को एल जीरो भी ले सकते हैं बुक वाले, टेंशन नहीं लेना, इसको कभी कभी एल डैश और इसको एल भी बोल देते हैं, चिंता नहीं करना। ये डेल्टा टी की जगह पे कभी कभी डेल्टा थीटा भी लिखा हुआ मिले तो भी चिंता नहीं करना दोस्त, इतने सारे वेरिएशन है एल के फॉर्मूला में, ये फॉर्मूलाज आपको यूज़ में आने वाले हैं दोस्तों, अभी मैं 2-3 सम करवाता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो चल मैं सम करवाता हूँ दोस्तों, एक सम है 100 सेंटीमीटर का स्टील रॉड है, स्टील रॉड है 100 सेंटीमीटर का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है मुझे 20 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, स्टील रॉड है दोस्तों, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील रॉड, सर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, सिंपल सर, स्टील का मटेरियल का फिक्स होता है, स्टील का है 1.2 × 10⁻⁵, ओरिजिनल लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ही रखेगा तो कोई इश्यू नहीं है, तो तेरा डेल्टा एल सेंटीमीटर में आएगा, यदि 1 मीटर लिखता है सेंटीमीटर को हटा के तो मीटर में आएगा, जो लिखना हो
और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो 2.4 × 10⁻²। सेंटीमीटर या तो 0.024 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों, मज़े आने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं करते। नॉर्मल क्वेश्चन क्या मालूम है, खाली इतना देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टील रॉड इज 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, या कभी कभी बोलते हैं फाइंड स्ट्रेन इन लेंथ, फाइंड स्ट्रेन इन लेंथ, वही स्ट्रेन मतलब लेंथ में होने वाला चेंजेस। बोलिए दोस्तों क्या आएगा। अरे अरे सर सिंपल है, अल्फा तो फिक्स है इसका 1.2 × 10⁻²। क्लियर है सर, स्टील रॉड है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना कर रहे हैं, बाय 40 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन फ्रैक्शनल लेंथ बोलो, फ्रैक्शनल चेंज, अरे अरे सर ये रहा, आप क्या बोलते हो यार, अल्फा इंटू डेल्टा टी, पता नहीं बच्चों क्यों नहीं करते हो आप ये सब। 4.8 × 10⁻⁴, ये है आपका डेल्टा एल बाय एल दोस्तों। कभी कभी दोस्तों, कभी कभी डेल्टा एल बाय एल बोलते हैं, फाइन फ्रैक्शनल चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज में कैसे फाइंड करोगे आप, डेल्टा एल बाय एल परसेंटेज 4.8 × 10⁻⁴ × 100%। मिंडी मिंडी गया, ये आंसर आने वाला है दोस्तों आपका। बोलो क्लियर है, क्लियर है, बातें बहुत अच्छी अच्छी होने वाली है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। एक और दोस्तों थोड़ा सा आपको तकलीफ में डाले ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ तो मजा आएगी। चलिए ये रफ कर दूँ, हाँ ये रफ कर सकते हो सर आप, यस प्रायर परमिशन, खचाक स्क्रीनशॉट ले ले, खचाक। चलो दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, लिखा हुआ क्वेश्चन मैंने, इंक्रीज इन लेंथ बाय 1%, इंक्रीज इन लेंथ बाय 1% दोस्तों, बाय 1%, ठीक है। सो और अल्फा दिया है आपको 2 × 10⁻⁵, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलो वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई करो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है दोस्तों। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बाय एल, 1% बोला है, 1% बोला है, परसेंटेज को हटाओ तो 100 रखेंगे, ये हो गया डेल्टा एल बाय एल। तो दोस्तों हम जानते हैं डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा एल बाय एल अल्फा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। ये कितना 0.01, अल्फो अल्फो कितना, दिस मच, जो डेल्टा टी का आंसर आए दोस्तों, जो डेल्टा टी का आंसर आए, बोल हाँ या ना। तो ये दोस्तों लेंथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेवल का लेक्चर है दोस्तों, आपको जीनीट के साथ कनेक्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना, बने रही आराध्य क्लासेस के साथ, मजे कर मजे तू, है ना, हम बैठा हूँ, टेंशन नको, टेंशन नको। चल दूसरा मैं लेता हूँ अभी, एरिया एक्सपांशन, ये स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका, ओके दोस्तों अब नेक्स्ट है इसमें एरिया एक्सपांशन। एरिया कैसे एक्सपांड होगा, तो दोस्तों छोटी सी बात करेंगे हम, जैसे कि अभी किसी डिस्क का एरिया ये है मान लो, ठीक है, मैं अभी उसको हीट देता हूं तो उसका एरिया ये हो गया। सिंपल लॉजिकल बात है दोस्तों, सिंपल लॉजिकल बात है, बहुत बड़ा एरिया बढ़ा दिया मैंने तुरे, बहुत बड़ा एरिया बढ़ा दिया, समझ रहे हैं बात को, फील कर रहा है तो, फील कर रहा है, फील कर रहा है, ये है दोस्तों, ठीक है। हाँ तो ये इनिशियल एरिया था और ये फाइनल एरिया हो गया, तो ये जो है वो क्या है, डेल्टा ए दोस्तों,
है कि नहीं भाई, जो रेड वाला है वो फाइन इनिशियल एरिया था और जो ब्लू वाला है वो फाइनल एरिया था, तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों जो चेंज हो रहा है एरिया में वो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे ही एक्सपांड होगा और उसकी ओरिजिनल एरिया के प्रोपोर्शनल में होगा, जैसे मैं लेंथ में बात किया। डेल्टा ए इज इक्वल्स और डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। दोस्तों फाइनली ये अब जाने वाला है प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम, तो इसकी जगह पे इज इक्वल्स टू बीटा आएगा। क्या आएगा? इज इक्वल्स टू बीटा आएगा बेटा। हाँ बेटा, सो फाइनली दोस्तों आपका ये फॉर्मूला बन रहा है डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बीटा ए डेल्टा टी। बीटा ए डेल्टा टी दोस्तों आप लिख सकते हो बीटा के बारे में कुछ कहानियाँ। बीटा इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ये लाइफ टाइम की बात है। ओके दोस्तों, दूसरा आप अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हो और बोलिए, फटाफट बोलिए। यस दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हो रही है। ठीक है दोस्तों, आ जा। अब दोस्तों बीटा की भी सेम स्टोरी, जैसी अल्फा की स्टोरी थी वैसी ही। एक दादाजी थे, वो ऐसा करते थे वैसा करते थे, वो था वो वाली सारी स्टोरी उसकी बीटा की भी सेम है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों बीटा में क्या है, जैसे कि बात है नॉर्मल, मैं किसी एक मटेरियल का एल्यूमिनियम का बीटा ले लूँ, एरिया एक्सपेंशन का वैल्यू ले लूँ, है ना, और उसमें अल्फा था इसमें बीटा है, और मैं कॉपर का एरिया एक्सपेंशन का वैल्यू ले लेता हूँ दोस्तों, तो कंपेरेटिवली किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा बीटा का वो जल्दी एक्सपांड कर जाएगा, एरिया वाइज वो जल्दी एक्सपांड कर जाएगा दोस्तों। सिंपल है, अभी तो समझाया दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। अच्छा अभी बीटा का डेफिनेशन लिखने का नंबर आए तो दोस्तों, एक मीटर स्क्वायर एरिया का कोई पदार्थ मतलब सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके टेम्परेचर में मैं 1 डिग्री सेल्सियस जितना चेंज करूँ, ठीक है, तो उसके 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चेंज होगा? इतना चेंज होगा, थोड़ा चेंज दोस्तों, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चेंज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्लियर है। चलो दोस्तों, तो डेफिनेशन आप आपके हिसाब से लिख देना, तो मैं ना लिखूं फ्री लिख देते रहे ऐसा कौन हो, या दूसरा भी है आपके पास देखिए शांति से, ऐसा भी कुछ है, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख दो फटाफट, चलो तुम्हारे जैसा कौन हो यार, डेफिनेशन बोलिए। यस सर दोस्तों, व्हेन चेंज इन एरिया व्हेन टेम्परेचर increases by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of unit area, ठीक है, of unit area, तो that change in area, यहाँ पे भी लिख सकते हो वैसे, when temperature increases by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of unit area, then increase in, या तो change in area is called coefficient of area expansion, ठीक है, बहुत नॉर्मल बातें हैं दोस्तों। यूनिट बोलिए, यूनिट है सर सेल्सियस इनवर और केल्विन इनवर्स, डिपेंड्स ऑन मटेरियल टेम्परेचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटी सी बात समझानी थी कि मैं इसको डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी रख सकता हूँ, कहीं पे काम में आएगा दोस्तों, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेन इन एरिया वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप, देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ,
अब दोस्तों जो ये डेल्टा ए है, डेल्टा ए है, रुक जाए इसको लिखने दे भाई, लिखने दे, ठीक है। ये जो डेल्टा ए हो रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू माइनस ए वन, स्टार्टिंग का है तो ए वन लिख दिया, सेम ए वन को उधर भेजो कॉमन लो, वन प्लस बीटा डेल्टा टी। इसी को दोस्तों ए डैश ए भी बोल सकते हैं कभी कभी, हाँ डेल्टा टी को डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं कभी कभी। चलो दोस्तों क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब दोस्तों बात आती है, बात आती है, समझा रहा हूँ मैं आपको, बात आती है कि भैया मान लो कभी कभी ऐसा हुआ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं जानता हूँ a इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, बिल्कुल सर निश्चिंत रहिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, डिफरेंशिएशन करो तो एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा सर, सिंपल। तो da बाय dl इज इक्वल्स टू 2l था, ये dl को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ दोस्तों, रख सकते हो दोस्तों, बहुत dl वही डेल्टा l, तो क्या होगा दोस्तों डेल्टा l की जगह पे अल्फा l, डेल्टा नहीं भाई स्मॉल है तो स्मॉल dt रखूँगा, है ना भाई, डेल्टा l इज इक्वल्स टू अल्फा l डेल्टा t, छोटा चेंज है, छोटा चेंज है तो d आ जाएगा, ठीक है। चलो डी ए इज इक्वल्स टू टू अल्फा एल 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 स्क्वायर डी टी, अच्छा डी ए इज इक्वल्स टू टू अल्फा एल स्क्वायर का मतलब है ए डी टी। अब इसको बड़ा चेंज में लिखूंगा तो ओह सर क्या बात है, क्या बात है, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, बीटा ए डी टी के साथ कंपेयर करेंगे तो फाइनली वी विल गेट आंसर बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा। हाँ सर टू अल्फा तो होना ही था सर, क्यों होना था, ये लेंथ का कोएफिशिएंट है, एक डायमेंशन में चेंज बता रहा है, जब एरिया एक्सपेंशन मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब दो, समझ रहे तू, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी चेंज बता रहा है, बीटा इज इक्वल्स टू टू अल्फा दोस्तों, क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाएगी, छोटी छोटी बातें। अच्छा एक दोस्तों आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है उस पर से मैं आपको पहले राइट कर दूँ। मान लो मेरे पास एक रिंग है, रिंग है ठीक है, हाँ ये जगह है बीच में होल है, ठीक है ये होल है, ठीक। अब मैं इसको गर्म करूँ तो क्या सीन होगा, होल बड़ा होगा या छोटा होगा दोस्तों? तो दोस्तों मोस्ट ऑफ टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी आंसर ये रहता है सर होल छोटा होगा, नहीं रे भैया होल बड़ा हो जाएगा, होल बड़ा हो जाएगा, होल बड़ा हो जाएगा बिल्कुल व्हेन हीटेड, ठीक है ये माइंड में बात उतार लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछते हैं स्कूल की एग्जाम्स में, है ना, व्हेन वी हीट अ रिंग और बीच में होल वाला डिस्क, तो होल इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, होल इंक्रीज होगा ठीक है, होल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। बाकी तो है तो कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों लेकिन वो थोड़े टफ वाले हैं, तो हम जब भी जी नीट का लेक्चर अरेंज करेंगे तब आपको ज़बरदस्त लेवल से समझाएंगे एरिया एक्सपेंशन भी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही आपकी बुक के लिए मैक्सिमम है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। फील आ रहा है ना आपको ये बीटा क्या है, सही में बीटा क्या बताना चाहते हैं? हाँ सर समझ गए सर, बीटा का मतलब ये सर, देखो हम आपको समझाते हैं, क्या समझा तू मुझे, देखो सर बीटा का मतलब ये है कि एक मीटर स्क्वायर वाला मैंने कोई एक प्लेट लिया या कुछ भी चीज़ ली, सब्सटेंस लिया, अब उसका मैं टेम्परेचर मान लो 30 है ऑलरेडी और 31 करता हूँ, एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया सर मैंने, तो एक मीटर स्क्वायर पे कितना बढ़ेगा उसका एरिया वो शो करता है बीटा, ठीक है सेम अल्फा की तरह, क्लियर है, क्लियर है। चल स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, ओके दोस्तों चलो ठीक है। अभी हम आते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन, वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है दोस्तों, वॉल्यूम में मतलब
जुब 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 दोस्तों, जैसे कि भाइयों बहनों, क्या मैं ये जुम 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 टिंगड़िंग टिंगड़िंग टिंग, ओ सर वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम एक्सपांड हुआ, पहले इतना था अब इतना हो गया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे। पहले ये वॉल्यूम था अब इतना वॉल्यूम हो गया दोस्तों। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देना। जो वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली ही होगा, हाँ इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल में ही होगा। सो डेल्टा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी है आपकी जी नीट के कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों, याद रखना जी नीट के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है दोस्तों। एरिया एक्सपेंशन का इतना नहीं पूछते क्वेश्चन, अल्फा लेंथ एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन, और इसमें से भरपूर क्वेश्चन पूछते दोस्तों। लीनियर एक्सपेंशन दोस्तों इतना डीप है, इतना डीप है, आप जितना पढ़ो उतना कम है दोस्तों। मैं जी नीट में लूंगा आप देखना। ठीक है डेल्टा, ये दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी हटाओ चलो, तो क्या आएगा इज इक्वल्स टू गैमा, क्या आएगा दोस्तों गैमा। फाइनली 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 ओ ठीक है दोस्तों, इसको हम कभी कभी ऐसा भी लिख पाएंगे। ओके सर कोई इशू नहीं है, बोले कोई इशू नहीं है, है इशू तो फिर मजे करना तो चलो ठीक है। क्या है दोस्तों ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दोस्तों। ठीक है आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा दर्शन करवा दूं इसके, याद है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी बाय डेल्टा वी बाय वी। बहुत मस्त बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसको यहाँ ले जाओ डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू पी बाय वी। तो दोस्तों कहाँ हाइब्रिड फिजिक्स कनेक्ट कर रहा हूँ देख, तो हाइब्रिड फिजिक्स कनेक्ट हो रहा है, डेल्टा वी बाय वी लिख रहा है तू, तो प्रेशर अपॉन बी लिख जा गैमा डेल्टा टी। बल्क मॉडुलस फाइंड करने का बोले तुझे तो बल्क मॉडुलस चैप्टर 9 का कनेक्शन पी अपॉन गैमा डेल्टा टी दोस्तों, चैप्टर 11 के साथ कनेक्शन बता दिया। बोल भाई फुल कनेक्शन, फुल कनेक्शन, कहाँ तकलीफ है, कहीं तकलीफ नहीं है सर। ठीक है चलो आ जाओ, हम हमारे हिसाब से आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे, वी टू माइनस वी वन गैमा वी डेल्टा टी। ठीक है ठीक है, हाँ वी को वी वन कर देंगे। सर आपने गैमा का तो समझाया नहीं, कुछ क्या समझाऊँ रे यार, होशियार है तो अपने आप से। वी टू सामने जाएगा तो वी वन वन प्लस गैमा डेल्टा टी। ठीक है सर, इसको वी डैश वी इतना भी लिख सकते हैं, इसको वी वी ज़ीरो कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। हाँ दोस्तों ये इनिशियली होंगे जितने यहाँ पे, वो ये फाइनली होंगे। ठीक है बोल हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब आ जाए दोस्तों थोड़ा गैमा पे, गैमा पे ध्यान दे दे दोस्तों, क्या ये, हाँ ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत काम की चीज़, आपको होशियार बनाएगा, जीन इतने काम में आने वाला है। आलू दिखू ऐसा ऐसा करने का उसको, है ना, हम अभी तो ही मजा आएगा, बाकी तो लोचा हो जाएगा। कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलिए, गैमा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी। डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे दोस्तों, एक वॉल्यूम है ऐसा कुछ, एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, चलना ऐसा कुछ, ये क्यूब है, उसका लेंथ भी 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है। ठीक है तो इसका, इस क्यूब का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। अब इसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ दोस्तों, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, जो चेंज किसके अकॉर्डिंगली आएगा, उसके इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऑलरेडी है और 1 मीटर क्यूब ऑलरेडी और 1.0012 मीटर क्यूब हो जाए तो दोस्तों 0.0012 है,
वो क्या है, उसका एक्सपांशन है, वॉल्यूम एक्सपांशन है दोस्तों, ठीक है, पक्की बात है। डेफिनेशन अपने आप से लिखेंगे, यूनिट अपने आप से लिखेंगे, होशियार बच्चे बनेंगे, और डिपेंड्स किस पे हैं, सब सेम ही है सर यार, सब सेम ही, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ठीक है, फिर से एक बार चलो चलो थोड़ा अल्फा में, जैसे कि एल्यूमिनियम का अल्फा था कुछ 2.5 × 10⁻¹⁵, तो उस आपको बोला था मैंने उसका एक 0.00025 है, ये बात हुई थी अपनी लेंथ में। एक मीटर पे, एक मीटर का रॉड हो एल्यूमिनियम का और उसका एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो उसका चेंज इन लेंथ कितना होगा पता है, चेंज इन लेंथ इतना होगा 0.00, एक मीटर पे इतना बढ़ेगा, एक मीटर पे इतना बढ़ेगा दोस्तों, क्लियर है। मतलब मुझे जो नया लेंथ मिलेगा वो नया लेंथ L2 इतना होगा 1.00025, क्लियर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बातें समझ में आ रही है, ओके दोस्तों। पहले एक मीटर का रॉड था, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो चेंज इन लेंथ कितना आया 0.00025, तो अब नया लेंथ कितना मिला 1.001 तो था ही और उसमें इतना ऐड हो गया है ना। तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी बातें आपको टैलेंटेड बनाने के लिए। अब आ जाओ दोस्तों कि हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब, बहुत अच्छी तरह से सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो 3L स्क्वायर होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन आपने देखा है, ओके 3L स्क्वायर, और DL को सामने ले जाओ दोस्तों, कोई इशू नहीं है, dV इज इक्वल्स टू 3L स्क्वायर dl अल्फा L dt, क्लियर है सर, क्लियर है, कोई बात नहीं, मजे से dV इज इक्वल्स टू 3α L स्क्वायर L क्यूब, ठीक है सर, इसको dV इज इक्वल्स टू 3α L क्यूब मतलब V है ना, L क्यूब इज इक्वल्स टू V, अब इसको बड़ा लिख दें, ओरिजिनल से कंपेयर कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, गैमा आपका, गैमा इज इक्वल्स टू 3α होना ही है सर, हाँ, वॉल्यूम में मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों में चेंजेस दोस्तों, वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, हाँ लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 3 आएगा ना 3α, ओके दोस्तों। तो फाइनली आप देख पाओगे कि हमने जो बात किया था, अल्फा अल्फा था लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा 2α था और गैमा 3α हो गया दोस्तों। तो कभी आपकी स्कूल की एग्जाम में अल्फा बीटा गैमा का रेशियो पूछते हैं 1:2:3, बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें कि ऐसे ही जा रहा है सब कुछ, बोल दोस्त, बड़े मजे की बातें हैं। इसके मैं सम्स करवाता हूँ तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बस स्क्रीनशॉट ले ले, मैं सम करवाता हूँ, ओके दोस्तों थोड़ा रफ कर दिया है, एक दो क्वेश्चन चलाता हूँ आपको मजा आएगा दोस्तों। एक बंदा है जो अहमदाबाद से 37,000 लीटर डीजल लेके निकलता है, ठीक है, 37,000 लीटर डीजल लेके निकल रहा है अहमदाबाद से, वो श्रीनगर उसको पहुंचना है, तो श्रीनगर पे पहुंचेगा तो कितना लीटर डीजल दे पाएगा सर। अहमदाबाद और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है, अहमदाबाद से श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर अहमदाबाद से 20 जितना कम है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 20 जितना कम है, ठीक है। तो दोस्तों श्रीनगर वो कितना कितना डीजल पहुंचाएगा, पहला इनिशियल वॉल्यूम ये, तो अब कितना डीजल पहुंच पाएगा, डीजल के लिए अल्फा फिक्स होता है दोस्तों, डीजल के लिए अल्फा का वैल्यू फिक्स होता है 9.5 × 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही है, ठीक है सर आ जाओ चलो। तो डेल्टा वी वाले फॉर्मूला पे, गैमा वी डेल्टा टी, डेल्टा वी गैमा है, अल्फा क्यों लिख रहे हैं, गैमा है 9.5 × 10⁻⁴, इनिशियल कितना है 37,000 लीटर है, लीटर में रहने दे, और ये 20 दोस्तों, डेल्टा वी आपका आ रहा है कुछ 800, मैंने ट्राई करा हुआ है 808.4
45 लीटर, इतना चेंज आया दोस्तों, इतना चेंज आया, मतलब इतना पेट्रोल उड़ गया। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण या गर्मी के कारण। तो दोस्तों बोलो आप क्या कहते हो, कितना क्या होना चाहिए? V1 माइनस V2, ज़्यादा में से कम, चेंज ज़्यादा से कम हुआ ना, और V2 इज इक्वल्स टू V1 माइनस डेल्टा V। तो 37,000 में से 808.42 कम कर दे तो कितना ले पाएगा वो, 36,190 लीटर ही पेट्रोल पहुंचा पाएगा दोस्तों। तो आप ये आप ट्राई भी रियल लाइफ में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, रियल लाइफ में आप ट्राई कर सकते हो। बोलो हाँ या ना बोल दे यार। चल टेक्स्ट बुक में इतना मजूरी हो रहा है समझ ले तू, जी नीट में कितना होगा, क्या बात है सर, जी नीट में तो गजब होगा। चलिए आ जाइए, चलिए। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल गैस है जिसको हम ऑब्वियसली PV उसका फॉर्मूला है, आइडियल गैस का इक्वेशन है, आपको आगे चैप्टर 13 में आएगा तो बहुत डिटेल में समझाएंगे। PV इज इक्वल्स टू μRT है, उसका कांस्टेंट प्रेशर रखना है, लिखा हुआ है बुक में प्रेशर कांस्टेंट रखो और उसका टेम्परेचर चेंज करो और वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है? तो देखो दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम चेंज, μR कांस्टेंट है दोस्तों, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, R है गैस कांस्टेंट और μ है मोल। सम आगे बहुत डिटेलिंग करेंगे, टेंशन नहीं लेना, वो कांस्टेंट है, जो गैस है उसका मोल फिक्स होता है, ये ठीक है, जो हमने गैस में इतने मोल गैस रखी अंदर तो वो 2 मोल 3 मोल 4 मोल फिर वो फिक्स है ना, इसलिए वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर में चेंज दोस्तों मैं 2/1 करूँगा इक्वेशन, मुझे काम है दोस्त, चला जा। P∆V/PV μR∆T/μRT ओके ठीक है, P गॉन μR गॉन, तो फाइनली सर ∆V/V इक्वल्स टू ∆T/T। दोस्तों ∆V को भी आप डेवलप करके लिख सकते हो γV∆T, ठीक है सर, ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है, कहाँ थे आप अब तक? तो फिर सॉरी गैमा का उड़ा रहा हूँ, वी उड़ा रहा हूँ, डेल्टा टी उड़ा रहा हूँ। तो गैमा का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, ये है दोस्तों। कभी कभी एमसी में क्या पूछते हैं मालूम है, ए ऑप्शन में दे देते हैं 1/P, ऑप्शन बी P/V, ऑप्शन सी PV, ऑप्शन डी 1/T, तो कौन सा ऑप्शन लिखोगे? 1/T गैमा के लिए। मान लो टेम्परेचर दोस्तों 0°C लेता हूँ, 0°C मतलब 273.15 केल्विन, तो गैमा का वैल्यू क्या होगा? तो मैंने गैमा का वैल्यू ढूंढ रखा है 3.66 × 10⁻³। तो ये दोस्तों छोटे छोटे सम है ना, जरूर से और मैं प्रैक्टिस में भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं दोस्तों, एप्लीकेशन में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस पेपर भेजते हैं यहाँ से, ठीक है, जुड़े रही आराधिक क्लासेस के साथ। ये वीडियो कैसा लगा यार ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और NCERT लेवल का है दोस्तों, GNET का देखना, बहुत मजा आएगी तुझे, GNET यदि कर रहा है तो बाकी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, स्माइल प्लीज, थैंक यू।